कुछ नहीं, एक सीक्वेंस आया, बहुत अच्छे सीन्स आए और मेरे और गोपी के, तो जग्गी क्या है कि जग्गी को ना भी गोपी का से प्यार हो जाएगा अंदर ही अंदर, वन वो होता ना वो कि एक तरफा प्यार, तो वो हो जाएगा एक तरफा प्यार। और गोपी को इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं होता कि ये क्यों कर रहा है ऐसी चीज़ें, जैसे अभी मैं करवा चौथ का व्रत रखूँगा तो पता ही नहीं होता, सिर्फ उर्मिला को पता होता है, मामी आंटी को, और वो मेरा साथ देती, इसलिए सारे नाटक करता हूँ मैं, जानबूझ के उसके पैरों के पास जा गिर जाए तो मुझे चक्कर आए, तो वो पानी पिलाए ताकि मेरा व्रत टूट जाए, तो वो मुझे खाना खिलाए, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब छोटी नहीं जो मतलब क्यूट चीज़ें हैं जो आप लोगों को अच्छी लगे। तो ये प्यार जो है एक तरफा होगा या दोनों तरफ से इशू? भाई अभी तो एक तरफा है, जब दो तरफा होगा जो जिंदगी पर दिखने लगा है और अभी गोल गोल घूम के वो नीचे डाउन हो गया। गोल गोल घूम के डाउन हो गया, अच्छी क्या बात बनी, ऐसा लग रहा तुमने ना किसी गुब्बारे की गुब्बारे की बात की कि मैंने हवा भरी, हवा निकल के वो नीचे गिर गया। कुछ नहीं, एक सीक्वेंस आया, बहुत अच्छे सीन्स आए और मेरे और गोपी के, तो जग्गी क्या है कि जग्गी को ना भी गोपी का से प्यार हो जाएगा अंदर ही अंदर, वन वो होता ना वो कि एक तरफा प्यार, तो वो हो जाएगा एक तरफा प्यार। और गोपी को इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं होता कि ये क्यों कर रहा है ऐसी चीज़ें, जैसे अभी मैं करवा चौथ का व्रत रखूँगा तो पता ही नहीं होता, सिर्फ उर्मिला को पता होता है, मामी आंटी को, और वो मेरा साथ देती, इसलिए सारे नाटक करता हूँ मैं, तो जानबूझ के उसके पैरों के पास जा गिर जाए, अगर मुझे चक्कर आए तो वो पानी पिलाए ताकि मेरा व्रत टूट जाए, तो वो मुझे खाना खिलाए, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब छोटी नहीं जो मतलब क्यूट चीज़ें हैं जो आप लोगों को अच्छी लगे। तो ये प्यार जो है एक तरफा होगा या दोनों तरफ से इशू? भाई अभी तो एक तरफा है, जब दो तरफा होगा तो आपको पता चल जाएगा, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा साथ ही।